हमारी मांगे पूरी करो। अस्पताल प्रशासन, अस्पताल प्रशासन। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल आए दिन चर्चा में रहता है। इन दिनों स्वामी दयानंद अस्पताल गेट नंबर 2 को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते 22 मई 2000 को स्वामी दयानंद अस्पताल के गेट पर खेड़ा गांव RWA द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। नगर निगम द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार से स्वामी दयानंद अस्पताल को मुक्त कराने के लिए विरोध प्रदर्शन में खेड़ा गांव RWA के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इन लोगों का कहना था कि हमारी मांगे पूरी करो, गेट नंबर 2 को जल्द खोला जाए, इसको लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। खेड़ा गांव RWA के अध्यक्ष अवधेश प्रधान प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ गेट खुलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया कि अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से नहीं निभाते, बल्कि अपनी ड्यूटी छोड़ मरीजों उनके टीमदारों की पैसे लेकर पर्चे बनवाने का काम करते हैं। यही नहीं, सुरक्षाकर्मी खुद अपनी ड्यूटी से नदारद भी रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, इनको मांगा जाए। क्या कुछ कहना था RWA के पदाधिकारियों का, देखिए रिपोर्ट। आज का जो विरोध प्रदर्शन है ये स्वामी दयानंद प्रशासन के खिलाफ है, ये उन पिछली सरकारों के खिलाफ है जिन्होंने हमारा जो गेट नंबर 1 है, जो खेड़ा गांव के बराबर में गेट है, क्योंकि हम लोग अपना गांव की जमीन पे ही अस्पताल है, और ये गेट बंद किया गया, जिससे आज जनता बहुत परेशान है। क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन तो कहता है कि वहाँ उस गेट की तरफ से चोरियां आदि हो रही थी, बरसात का पानी भरता था, इसलिए वहाँ गेट बंद कर दिया गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पानी भरता था, पानी भरने के लिए कोई वहाँ स्टील का गेट या ऐसी कोई जमीन तो तैयार नहीं कर दी जो पानी रुक जाएगा, जाली का गेट है। और दूसरी बात ये बात रही चोरी की, जब इनकी सिक्योरिटी ही इतनी कमजोर है, इनका सिक्योरिटी में कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि हमारे पास इतना स्टाफ है, उसके बावजूद चोरी कैसे हो सकती है? कमी तो इनकी है ना, पैसा इतना लाखों रुपए पे लगाया जा रहा है, उसका क्या फायदा है? यही समस्या आ रही है जब से गेट बंद करा है, अतः यही कहते हैं चोरिन के मारे खोला, चोरन के मारे बंद करा, चोरन के, और चोरी उससे चौगनी होती है, मोबाइल रोड पे छीन लेते हैं, रोड बंद हो गए क्या जब गेट ही बंद रहेगा है? और हाथ जोड़ रहे, मिनती कर रहे हैं, तो नेता लोग तो हमें पीटने को तैयार हो रहे थे, हमारे गेट नहीं खोलने को तैयार हो रहे। सबसे पहले तो महिलाओं की समस्या आती है, जो गर्भवती महिला है वो इतनी दूर दूर से आती है, इधर के साइड से खेड़ा गांव से या मानसरोवर से कहीं से भी, तो वो रिश्ते से भी आती है, कुछ भी आती है, तो उन्हें इतना अप डाउन करके फिर यहाँ पे तार दिया जाता है, उन्हें पैदल पैदल का रास्ता ही अंदर इतना दूर पड़ता है। अगर वो गेट ओपन कर दिया जाए तो महिलाओं को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, बाहर निकलते उन्हें रिश्ते वगैरह की सब चीज की सुविधा मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात है, आप ये देख लो रेड लाइट में इतना जाम लग जाता है, कोई किसी की दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, वो कहाँ यहाँ तक कैसे आ पाए? वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिर में स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9213329205, 9211478312, 9119014.
4183 12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।